हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी स्टूडियो रूम। बच्चों, आपका सबका स्वागत है इस के सी ए के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे कंटिन्यूस क्वालिटी कंटेंट और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट आपको दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम। इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एप्लीकेबल है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से जो 2024-25 से पहली बार बीकॉम में न्यू पैटर्न एप्लीकेबल हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है कि ये पैटर्न कैसा होगा, इससे रिलेटेड हमारे बहुत सारे वीडियोस है। ऑलमोस्ट 8 to 10 वीडियोस का पूरा सीरीज है बच्चों, जिसमें हमने आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में गाइड किया गया है। लेकिन फिलहाल इंटरनल एग्जाम की बात करते हैं। सो इंटरनल एग्जाम कब हो सकती है, इंटरनल एग्जाम का पैटर्न कैसे रहेगा, उसमें टॉपिक्स कौन से आ सकते हैं, टॉपिक्स के बारे में, एटीकेटी के बारे में, पासिंग के बारे में, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, मतलब मैक्सिमम 10 मिनट्स तक रहेगा, तो एंड तक देखना है। और ये वीडियो आपके हर फ्रेंड तक पहुंचाना है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो लेट्स सी, न्यूज़ पूरा डिटेल में देखते हैं। यस बच्चों, तो हम आ चुके हैं अपने स्टूडियो रूम में डिटेल न्यूज़ के साथ। सो डिटेल न्यूज़ में क्या दिया है, लेट्स सी। स्टूडेंट्स, मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से, जो बीकॉम दैट इज बैचलर ऑफ कॉमर्स एज पर सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, उसमें जो 2024-25 से न्यू सिलेबस, न्यू पैटर्न एप्लीकेबल हुआ है, उसमें एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हो, मेथड ऑफ इवेल्युएशन, पासिंग एंड इवेल्युएशन क्राइटेरिया, ये सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, और SEE दैट इज सेमिस्टर एंड एग्जामिनेशन को कितना इंपॉर्टेंस होगा। तो बच्चों, इंटरनल और प्रैक्टिकल इसको मिला के टोटल 30% वेटेज जो कॉलेज के पास है उसकी पावर, और सेमिस्टर एंड के एग्जाम को 70% का वेटेज दिया गया है। मतलब जो फाइनल एग्जाम होते हैं ना, अपने एक्सटर्नल बोलो या फाइनल एग्जाम बोलो, वो 70% की रहेगी और 30% की रहेगी इंटरनल एग्जाम। सर, ये एग्जैक्टली एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा, पेपर कैसे रहेगा, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से बनाया जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा पुणे यूनिवर्सिटी ने फ्रीडम दिया गया है, कॉलेज टीचर्स के पास थोड़ा फ्रीडम दिया है। सो देखो कैसे दिया है, इवेल्यूएशन विल बी डन इन अ कंटिन्यूअस बेसिस, उसको CEE बोलते हैं, कंटिन्यूअस एग्जाम, IIAC इंटरनल एग्जाम, ठीक है, उसका फुल फॉर्म CIE कंटिन्यूस इंटरनल एग्जाम, और SEE मतलब सेमिस्टर एंड एग्जाम, ठीक है। फिलहाल हम CIE दैट इज कंटिन्यूस इंटरनल एग्जाम के बारे में हम बात करने वाले हैं फिलहाल आज के सेशन में। इंटरनल एग्जाम का वेटेज कितना रहेगा, इट विल बी 30% ऑफ द टोटल मार्क्स एलोटेड फॉर द सब्जेक्ट। बच्चों, आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट जितने मार्क्स के लिए है, उसका 30% वेटेज इंटरनल एग्जाम के लिए रहेगा। इसका मतलब क्या, स्टूडेंट्स, आपको कुछ एग्जाम, कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं मेजर सब्जेक्ट, मेजर और माइनर, बच्चों अगर आपको ये नहीं पता है मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट, तो डेफिनेटली आपको हमारा वीडियो देखना ज़रूरी है, इसके पहले की वीडियोस देखना ज़रूरी है इसी प्लेलिस्ट में। क्योंकि सीए के आप जाओगे तो FYBCOM का एक अपडेट, पूरा न्यू पैटर्न NEP के हिसाब से पूरा दिया गया है आपको, तो डेफिनेटली आप देख लीजिएगा। मेजर और माइनर सब्जेक्ट के बारे में देखो क्या दिया है। सो बच्चों, मेजर सब्जेक्ट मतलब मोस्टली जो 4 credit स्कोर के लिए होते हैं, और माइनर मतलब नॉर्मली 2 credit स्कोर के लिए पूछा जाता है। सो बच्चों, 1 credit स्कोर का मतलब 25 मार्क्स दिया हुआ है, ओके, 1 credit स्कोर का मतलब 25 मार्क्स। सो 25 × 100, मेजर सब्जेक्ट 100 मार्क्स के लिए और माइनर सब्जेक्ट 50 मार्क्स के लिए, मोटा मोटी ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। वो बात अलग है, मार्क्स में आपकी बात नहीं होगी, क्रेडिट स्कोर में ही हम बात करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ, ठीक है। सो जो मेजर सब्जेक्ट है जो 100 मार्क्स का है, तो उसका 30% अगर हम निकालेंगे, सो 100 × 30 विच कम्स टू 30 मार्क्स ओनली, ये आपका इंटरनल एग्जाम का वेटेज रहेगा, ओके। और जो 50 मार्क्स के सब्जेक्ट है, 50 × 30%, 30 का आधा दैट इज 15 मार्क्स, ये आपका CIE दैट इज कंटिन्यूस इंटरनल एग्जाम का वेटेज रहेगा, ठीक है। और SEE मतलब सेमिस्टर एंड एग्जाम का वेटेज कितना रहेगा, ऑफकोर्स बचा हुआ 70%। तो 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 का 70% बोले तो 70 मार्क सेमिस्टर एंड एग्जाम के लिए, और 50 मार्क्स का है तो 50 का 70% 50 × 70 आपको जो ऐसे भी दिखा दो भाई प्रैक्टिकली, विच कम्स टू 35 मार्क्स। सो ये 35 मार्क्स का अपना सेमिस्टर एंड एग्जाम रहेगा। स्टूडेंट्स, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, पासिंग क्राइटेरिया इज 40% फॉर एनी एग्जाम, वेदर इट इज इंटरनल और सेमिस्टर एंड एग्जाम, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, 40% ये क्राइटेरिया फिक्स्ड है। अब ये 40% कैसे है, एकदम क्लियर बता दूं बच्चों,
पर सब्जेक्ट इंटरनल का सेपरेट पासिंग 40% इज रिक्वायर्ड और सेमिस्टर एंड एग्जाम का सेपरेट पासिंग 40% इज रिक्वायर्ड। मतलब अगर आप सोचो फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये मान लो आप 4 क्रेडिट स्कोर के लिए, मतलब अपने भाषा में बोले तो 100 मार्क्स के लिए, तो 100 में से 40 लाने, गलत, 100 में से 40 नहीं, ये 30 में से भी 40% लाना है और 70 का भी 40% लाना है। टोटल लाए तो पास नहीं हो जाओगे, इंटरनल में भी पास होना है 40% और सेमेस्टर एंड एग्जाम में भी पास होना है, तब जाके आप वो सब्जेक्ट क्लियर कर जाओगे। सर लेकिन अगर मान लेते हैं सर, सपोज ये 70 मार्क का जो पेपर था, इसमें से मैंने 70 में से 70 लाए, 70 out of 70, जबरदस्त पेपर लिखा सर, एकदम खतरनाक, लेकिन इंटरनल के लिए मैं गया नहीं था, एबसेंट था, मैंने असाइनमेंट नहीं दिए थे, अब क्या होगा तेरा कालिया, इंटरनल एग्जाम फेल है भाई, इंटरनल एग्जाम वापस देना पड़ेगा। सर क्या इंटरनल एग्जाम अगर बैक रही तो उसकी वजह से कभी ईयर वेस्ट हो सकता है? आंसर इज यस। अगर फर्स्ट ईयर का कोई भी एक सब्जेक्ट भी रहा जाओ आपका इंटरनल बैक है, तो आप थर्ड ईयर में नहीं जा सकते, सेकंड ईयर में जा सकते हो, एटीकेटी अलाउड है ना बच्चों से, एटीकेटी कैरी किया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर अलाउड है, फर्स्ट ईयर का एक भी बैक रहा तो आप थर्ड ईयर के लिए एलिजिबल नहीं होते, आप नहीं जा सकते, फेल हो जाओगे, ठीक है, तो आप आगे नहीं जा पाओगे, इसलिए इसको लाइटली मत लेना। अब सवाल यह है कि इंटरनल एग्जाम किस तरीके से होगा, तो बच्चों जैसे आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, द कॉलेजेस नीड टू अडॉप्ट एनी टू मेथड्स आउट ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। बच्चों SPPU दैट इज सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने 8 ऑप्शन देके रखे कॉलेजेस को इंटरनल असेसमेंट कैसे करना है, तो 8 ऑप्शन है, 8 में से कोई भी 2 कॉलेज अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकता है। सर 8 ऑप्शन कौन से है, तो देखो बच्चों सबसे पहले ऑफलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन, मतलब कॉलेज में रिटर्न एग्जामिनेशन ले लेंगे वो आपका, ठीक है, सपोज या फिर PPT आपको किसी टॉपिक दिया जाएगा, उसको PPT बनाने के लिए बोला जाएगा। नेक्स्ट असाइनमेंट या फिर ट्यूटोरियल्स हो सकता है, आपको राइटिंग के लिए दे दिया असाइनमेंट बना के लाओ, उसको वेटेज रहेगा। ओरल एग्जामिनेशन, अभी ये तो मतलब उनके पास है पावर कि ओरल को कैसे क्वेश्चन पूछेंगे और कैसे मार्क्स देने हैं। ओपन बुक टेस्ट, ओए बुक सामने रख के लिखना है, क्या मज़ा है सर, ऐसे इमेजिन करके बहुत भारी लग रहा, काश ऐसा इंटरनल के साथ साथ फाइनल एग्जाम में भी होता ना सर, फिर तो आपके क्लास में हम कभी आते ही नहीं सर, हम तो अपना अपना पढ़ लेते, बुक से लिखना है तो हमारे पेट पे पैर मत दो भाई, KKCA फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि पूरा डिटेल कंटेंट, थ्योरी और न्यूमेरिकल कंटेंट स्टार्ट टू एंड, हर एक वर्ड साथ में नोट्स साथ में रिविजन, हर एक चीज़ यही पे मिल रही है आपको, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में, लाइव क्लासेस में, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, हर फॉर्मेट में मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑफलाइन MCQ टेस्ट, ऑफलाइन में बुला के क्लासरूम में बुलवा के MCQ की जैसे आपको PDF वगैरह दिए जा सकते हैं, MCQ बस आपको ABCD टिक करनी है, दैट्स इट। नेक्स्ट ग्रुप डिस्कशन मतलब ये तो और भी मज़ेदार है भाई, ग्रुप को बिठा दिया, पर्टिकुलर जो 10-10 लोगों का मतलब ग्रुप रहेगा, फॉर एग्जांपल क्लासरूम में 60 बच्चे हैं तो 6-6 लोगों का 10 ग्रुप कर दिए, तो उनके हिसाब से ग्रुप बनवाएंगे और ग्रुप डिस्कशन का टास्क देंगे और ग्रुप डिस्कशन को भी मार्क्स दे सकते हैं। एनालिसिस ऑफ केस स्टडीज, आपको कोई पर्टिकुलर केस स्टडी दिया जाएगा जिसका आपको एनालिसिस करना है, आपके अलग अलग व्यूज रखने हैं उस पर, थोड़ा मल्टीपल व्यूज मल्टीपल एंगल से देख के उस पर डिस्कशन करना है केस स्टडी, इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग पार्ट। तो बच्चों ABCDEFGH ऐसे जो 8 पॉइंट है, 8 में से कोई भी 2 ऑप्शन उठाने, पिक करने और कॉलेज उसमें उस तरीके से एग्जाम ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज वालों ने बोला कि हम 20 मार्क्स का हम एग्जाम लेना चाहते हैं कॉलेज में रिटर्न एग्जामिनेशन, और 10 मार्क का PPT देना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके हिसाब से कर सकते हो। नहीं, हमें PPT नहीं चाहिए, ओरल देना है 10 मार्क का, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, हमें ऑफलाइन एग्जाम लेना ही नहीं, हमें डायरेक्ट MCQ एग्जाम लेना है 20 मार्क का, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले सकते हो। बस हाँ, इन्होंने क्या बोला हुआ है, एनी टू ऑफ दीज ऑप्शन, इसमें से तो कोई भी 2 मेथड से, तो कहने का मतलब, और वो 20 और 10 भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, मतलब उन्होंने बोला कि 15 मार्क के MCQ टेस्ट ले लेंगे, 15 मार्क का ओरल टेस्ट ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, टोटल 30 होना चाहिए भाई, आप किसी भी तरीके से एग्जाम लो, इंटरनल एग्जाम को 30 मार्क्स का वेटेज है 30% और 40% पासिंग है। सर 40% मतलब होता कितना है, सो बच्चों 30 × 40/100 ऐसे निकालते ना, 40% 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, 4 × 3 = 12, तो सीधी सी बात है आपको 12 मार्क्स होने चाहिए 30 में से पासिंग के लिए, तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न, मैं आपको बताया, वेटेज भी मैंने आपको बता दिया 30% का वेटेज है इंटरनल के लिए, पासिंग 40% मतलब 12 मार्क्स चाहिए, एटीकेटी है क्या, तो आंसर इज यस, एटीकेटी अलाउड है, अगर आप इंटरनल फेल हो तो आपको इंटरनल बाद में ही सही देना ही पड़ेगा, क्लियर होना ही पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम कब रहेंगे, कैसे रहेंगे बच्चों, क्योंकि फर्स्ट ईयर के केस में थोड़ा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज के ऊपर ज़्यादा होता है, तो कॉलेज ही डिसाइड कर सकता है मोस्टली, मोस्ट ऑफ द चांसेस बच्चों, ये बात तो क्लियर है कि दिवाली के पहले आपका एग्जाम हो जाएगा, तो सितंबर एंड
सेप्टेम्बर एंड में मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपके सेप्टेम्बर एंड या अक्टूबर स्टार्ट 2024 की बात कर रहा हूँ मैं ऑफकोर्स, तो आपकी एग्जाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंटरनल एग्जाम की। सो स्टूडेंट्स वो हिसाब से आप स्टडी के लिए लग जाओ, अभी भी नहीं लगे हो तो अभी तो भी स्टडी स्टार्ट कर दो, इसको लाइटली मत लो। आपको हर सब्जेक्ट इंडिविजुअली पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। सो स्टूडेंट्स ये था इंटरनल एग्जाम के बारे में, फाइनल एग्जाम के बारे में हम वापस से आएंगे। सर इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, इंटरनल एग्जाम के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना डिफिकल्ट है बच्चों, क्योंकि इसके चैप्टर भी कॉलेज के टीचर डिसाइड करते हैं। मतलब वी हैव हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस। सो जो ऑनलाइन स्टूडेंट है पुणे से, पुणे कुछ अहमदनगर नासिक, सो ये जो स्कैटर्ड स्टूडेंट है, तो मल्टीपल स्टूडेंट जब हमें कॉन्टैक्ट में आते हैं तो पता चलता है सर हमारे कॉलेज में, मतलब एक ही कॉलेज की बात बताऊँ, ए डिवीजन में चैप्टर फर्स्ट और फोर्थ लिया है और दूसरे डिवीजन में उसी कॉलेज में चैप्टर फर्स्ट और थर्ड लिया है। तो ये कुछ कोई नहीं बोल सकता, इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज। तो उसके लिए कॉलेज अटेंड करिए, थोड़ा बहुत ही सही कॉलेज में एक बार विजिट देके आइए, एटलीस्ट चेक कर लीजिए कि कौन से टॉपिक आने वाले हैं। एंड फॉर एनी डाउट रिगार्डिंग स्टडी वी आर हियर फॉर यू एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव अ लर्निंग विद केके सर, टेक केयर, बाय बाय।